Hi, hello, and welcome back to my channel. Hope you all are fine. So basically in this video I want to share with all of you guys a good news. And last year 2018, in July month, I came here in England from India. So next month I will go India. So that's almost like more than 1 year I'm here, far away from my home, from my family. So I'm very much excited to meet with my mom, my dad, my brother, and their all my friends, relatives. So I'm so much excited. That is I mean, for me, that's a very big good news to share with you all. There are some clothes that I purchased and also some gifts. So many things. It's a like mix up things that I purchased for my family, relatives here in England. So that I will show you one by one. So before I will start showing that, I want to say one more important things. That is, I want to say thanks to all of my subscribers who subscribe my channel, cause that's a, I mean, huge for me. That's a big support for me. So thank you so much to all of my subscribers. And and also I wish that more people subscribe my channel and support me. That's it that I want to share with you. So okay, let's get started. ये एक टॉप है, ये मैंने यहाँ पे M&S बोल के यहाँ पे एक ब्रांड है, तो ये मैंने M&S से खरीदी हूँ. ये मेरे भाभी के लिए है, वो ऐसे ऑफिस में जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसे कुर्ती टॉप ये पहनते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये एक टी शर्ट है, प्योर कॉटन, ये भी M&S से मैं ख़रीदी हूँ. तो ये मेरे भैया के लिए है. उसके बाद ये है और एक ऐसे टी शर्ट है, ये भी कॉटन का है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, तो ये भी प्योर कॉटन का है. तो ये मेरे पापा के लिए है, तो ये मेरे पापा के लिए है. तो ये तीनों मैं M&S से ख़रीदी हूँ. इसके बाद यहाँ पे एक बच्चे का ड्रेस है, ये ऐसे है. तो ये मेरे हस्बैंड का भाई है, उसका अभी बेटी हुई है. ये मुझे अच्छा लगा, ये जो ऐसे यहाँ पे एक बेबी डॉल का एक पिक्चर है और उसमें नीचे ऐसे फ्लेयर भी है, ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा, ये कलर भी मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा. तो वहाँ पे लिखा था ये 12 टू 14 मंथ्स के लिए. तो ये है. उसके बाद यहाँ पे ये मैंने एक, ये भी एक टॉप है ऐसे, ये मेरे हस्बैंड का सिस्टर है, वो क्लास 8 में है, तो उसके लिए ये टॉप ख़रीदा हूँ. ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन का है, ये क्लोथिंग्स बहुत ही कंफर्टेबल होगा पहनने में, तो ये मैं उसके लिए ख़रीदी हूँ. इसके बाद यहाँ पे एक परफ्यूम ख़रीदी हूँ, ये मेरे हस्बैंड का और एक कज़िन्स है उसके, ये तो उसके लिए ये परफ्यूम ख़रीदी हूँ. ये यहाँ का ब्रांड है, बियॉन्ड सीट,
ये उसके लिए ले जा रही हूँ, होपफुली उसको अच्छा लगे। तो पहले हम लोग डिसाइड किए थे एक बैग देने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना बैग इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही छोटा छोटा ऐसे बैग था, तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मेरे हस्बैंड को। तो उसके बाद इसने डिसाइड हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक परफ्यूम देते हैं, तो इस उसके लिए परफ्यूम खरीदी हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे एक, ये मैं ख़रीदी हूँ स्किन का जेंटल फेशियल स्क्रब टी ट्री। मेरे ये भी मैं मॉम को दूंगी या फिर भाभी को, ऐसे ये भी फ्रेंड मतलब फैमिली के लिए भी। यहाँ पे एक बॉडी स्क्रब का, फ्रूट्स का एक बॉडी स्क्रब खरीदी हूँ ब्लूबेरी का, तो ये भी उन लोगों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ये पाल्मोलिव का मिल्क एंड हनी शावर क्रीम है, तो ये मेरे मम्मी के लिए ख़रीदी हूँ मैं। उसने बोला था मुझे एक शैम्पू और एक सोप ख़रीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे सोप से ज़्यादा अच्छा होता है, ये सब सावर क्रीम सावर जेल ये सब यूज़ करते हैं यहाँ पे ज़्यादा। तो मैंने ये, तो मैं सोप के बदले में ये शावर क्रीम ले जा रही हूँ उनके लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये टी कैंडल है, लेमन लेमन लीफ एंड साइट्रोनेला सेंटेड कैंडल, ये मैं ख़रीदी हूँ। यहाँ पे 24 टी कैंडल्स है, ये लेमन फ्लेवर का सेंटेड कैंडल है, तो ये मैं ले जा रही हूँ उनके लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वेला वेला का शैम्पू ख़रीदी हूँ मेरे मम्मी के लिए, ये वेला प्रोफेशनल है, तो ये शैम्पू मैं भी यूज़ करती हूँ, ये मुझे काफ़ी सूट करता है, तो मैंने उनके लिए भी यही ख़रीदा। तो ये सब है। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा चॉकलेट ख़रीदी हूँ। मैंने ज़्यादातर चॉकलेट हम लोगों ने डिसाइड किया कि एयरपोर्ट से ही ख़रीदेंगे, तो यहाँ से मैं सिर्फ ये लिंडोर का एक पैकेट ख़रीदी हूँ बड़ा सा, क्योंकि इसमें ये सारा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डार्क है, फिर हेज़ल नट है, फिर ये वाइट है, मिल्क फ्लेवर है, तो ये मैं ख़रीदी हूँ अपने फैमिली के लिए। ये हम लोग यहाँ पे खाते थे, ये इसका टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा होता है खाने में, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक पैकेट उन लोगों के लिए ले जाते। फिर इसमें कैडबरी फिंगर ख़रीदी हूँ, ये भी खाने में अच्छा लगता है, तो ये अगर कोई अगर बच्चा वगैरह आएगा तो मेरे मम्मी को बोल दूँगी देने के लिए, इसलिए मैं ऐसे एक्स्ट्रा 2 पैकेट ख़रीदी हूँ। फिर ये ख़रीदी हूँ After 8, ये यहाँ पे आफ्टर डिनर खाते हैं लोग यहाँ, इसमें एक मिंट का थिन लेयर होता है, तो ये खाने में अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा। और भी बहुत सारा गिफ्ट ख़रीदना बाकी है जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एयरपोर्ट से ख़रीदेंगे, वो चॉकलेट्स, फिर अगर और कुछ अच्छा लगे बुक्स या फिर कुछ भी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है एयरपोर्ट से ख़रीदेंगे वो सब। तो होपफुली उन लोगों को भी गिफ्ट पसंद आए, तो मैं ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। होप आप लोगों को अच्छा लगा, और ज़रूर कमेंट करना अगर अच्छा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक देना। जो भी जितने लोग मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।